नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ और मस्त रहें। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये हमारा सेशन चल रहा है। इसके चार पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, ये लास्ट पार्ट है। यदि आपने वो चार पार्ट्स नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे वो आपको मिल जाएंगे, यू कैन गो एंड सी देयर। आज का हमारा जो पार्ट है ये आखिरी पार्ट है और मैं यानी अनु आज आपसे बात करूँगी कि देशों को यानी नेशंस को विजुअलाइज कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है। और दूसरी बात हम ये करेंगे कि इम्पीरियलिज्म का एक नया विचार यूरोप में उभरा और इस एक नए विचार की वजह से पूरा यूरोप किस तरीके से वर्ल्ड वॉर वन की गर्त में धकेला गया, इन सभी के बारे में बात करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं विजुअलाइजेशन ऑफ अ नेशन की, कि किस तरीके से किसी देश को विजुअलाइज किया जाता है। तो किसी देश को विजुअलाइज किया जाता है एज अ फीमेल फिगर, यानी एक फीमेल की आकृति के रूप में किसी देश को विजुअलाइज किया जाता है और इस आकृति को एलिगरी बोलते हैं। तो नाउ व्हाट इज दिस एलिगरी? तो दोस्तों, जब किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को किसी व्यक्ति के दिमाग में कोई आइडिया आया और उस व्यक्ति ने उस आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए किसी उस आइडिया को कोई रूप दे दिया तो उसको बोला जाता है एलिगरी। जिस तरीके से ये आइडिया आया होगा किसी के दिमाग में, उसने इसको ये रूप दे दिया तो दिस इज कॉल्ड एलिगरी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब ज़रूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति ही वो एलिगरी हो, कोई वस्तु भी एलिगरी में आ सकती है। तो दिस इज व्हाट एलिगरी इज। तो नाउ हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 18वीं और 19वीं सदी में क्या हुआ था दोस्तों, कि आर्टिस्ट को लगा कि किसी देश को ऐसे दिखाया जाए कि वो देश कोई व्यक्ति हो, यानी उसको पर्सनिफाई किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेलेक्ट की एक फीमेल आकृति। ये कोई रियल लाइफ लेडी नहीं थी, ये कोई, अगर उन्होंने कोई फीमेल आकृति सेलेक्ट की तो वो कोई रियल लाइफ लेडी नहीं थी, बल्कि वो उन लोगों की कल्पना थी और कल्पना को उन्होंने साकार किया और उसको एक रूप दिया और दिस वॉज द एलिगरी। अब उन्होंने उसको फीमेल ही क्यों सेलेक्ट किया, उसके कई रीजंस हो सकते हैं कि फीमेल्स को ये ना लगे कि हम दबे कुचले हैं या हमारा कोई स्थान नहीं है। तो उन्होंने नेशन के पूरे देश को ही ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया कि पूरा देश ही औरत है, तो इससे बड़ा और हम क्या कर सकते हैं। तो दिस वॉज द, जिसमें भी द रीज़न कि उन्होंने फीमेल को एलिगरी के रूप में इस्तेमाल किया। तो अगर हम बात करें दोस्तों कि एलिगरी फीमेल को इस्तेमाल करने में, ये कि फ्रांस में एलिगरी क्या थी, तो फ्रांस में जो एलिगरी उन्होंने यूज़ की दोस्तों, उसका नाम उन्होंने रखा मैरियन। क्या रखा? मैरियन। तो दिस रेड कैप इज़ द एलिगरी, दिस लेडी इज़ द एलिगरी, और ये मैरियन जो है कोई रियल लाइफ लेडी नहीं थी, ये किसी आर्टिस्ट की कल्पना थी और उन्होंने उसको एज एन एलिगरी लोगों के सामने पेश कर दिया। तो फ्रांस को जब देखा जाता है तो एज अ मैरियन भी उसको देखा जाता है। अगर हम बात करें जर्मनी की, तो जर्मनी की जो एलिगरी थी वो थी जर्मेनिया। एज यू कैन सी हियर इट इज़ द फ्लैग ऑफ जर्मनी। ठीक है, तो ये तो था दोस्तों एलिगरी के बारे में जानना। अब बात करते हैं कि नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म होता क्या है। तो नेशनलिज्म तो दोस्तों हमें पता है कि कॉमन लैंग्वेज होता है, कॉमन कल्चर होता है, कॉमन ट्रेडिशन होता है, और ये तो है नेशन स्टेट। अब दूसरी अगर हम मॉडर्न स्टेट की बात करें तो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी होता है मॉडर्न स्टेट में। तो ये सब था नेशनलिज्म, ये हमने पढ़ रखा है। बट अब बात करते हैं इम्पीरियलिज्म की। नाउ व्हाट इज दिस इम्पीरियलिज्म, उसको समझने के लिए दोस्तों इस कैरिकेचर पे आते हैं कि होता क्या है दोस्तों, कि 19वीं सदी के अंत के कुछ साल में पूरे यूरोप में नेशनलिज्म का जो आइडिया था वो फीका पड़ने लगा। यूरोपियंस को लगा नहीं, वी डोंट वॉन्ट नेशनलिज्म, हमें नेशनलिज्म नहीं चाहिए। अब इसकी जगह उन्हें क्या चाहिए, इसकी जगह उन्हें चाहिए था इम्पीरियलिज्म। क्या चाहिए था? इम्पीरियलिज्म। तो यूरोपियंस को अब होड़ मच गई इम्पीरियल बनने की। अब क्या हुआ कि नेशनल, जो नेशनलिस्ट लोग थे, जो नेशनलिस्ट ग्रुप थे, वो इंटॉलरेंट बनने लगे। जब वो इंटॉलरेंट बनने लगे तो वो आपस में लड़ने झगड़ने लगे, एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए, एक देश दूसरे देश को बिल्कुल गुलाम बनाने पे उतारू हो गया। तो अब क्या था कि ये जो छोटे छोटे देश थे ये आपस में लड़ने मरने लगे, दूसरी तरफ जो बड़े और पावरफुल देश थे वो इनकी लड़ाई का फ़ायदा उठाकर इन्हीं के ऊपर आर्मी मिलिट्री से कब्जा करने लगे।
ठीक है। तो क्या हुआ कि जब कमज़ोर देश आपस में एक दूसरे से लड़ने लगे तो जो पावरफुल कंट्रीज थी उन्होंने इनकी लड़ाई का फ़ायदा उठाया और मिलिट्री का इस्तेमाल किया। मिलिट्री की हेल्प से इन देशों के ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया और इनको गुलाम बना लिया। तो ये था इम्पीरियलिज्म। तो मतलब इम्पीरियलिज्म होता क्या है दोस्तों, कि पावरफुल देशों के द्वारा मिलिट्री या कुछ और जैसे डिप्लोमेटिक तरीके इस्तेमाल करके कमज़ोर देशों को गुलाम बनाना और अपना साम्राज्य बढ़ाना इज कॉल्ड इम्पीरियलिज्म। अब बात करते कि सिचुएशन आई कैसे, इम्पीरियलिज्म आया कैसे। तो दोस्तों 1871 के बाद हुआ क्या कि पूरे यूरोप में एक समुदाय था जिसको बोलते थे बाल्कन कंट्रीज। तो कुछ देशों का एक समुदाय था जिसको बोलते थे बाल्कन नेशंस। तो बाल्कन नेशंस में कई देश आते थे, जैसे आपका आ गया रोमानिया, आ गया बुल्गेरिया, आ गया मैसिडोनिया, आ गया अल्बानिया, आ गया कोसोवो, सर्बिया, बोस्निया हर्जेगोविना, कई सारे देश इसमें आते थे। तो इन देशों में क्या हुआ, इन देशों में टेंशन बढ़ गई। क्यों टेंशन बढ़ गई, क्योंकि ये सभी देश अपने आप को दूसरे देश से पावरफुल समझते थे। ऐसा क्यों होता था दोस्तों, आपको पता है कि पूरे यूरोप में रोमांटिसिज्म की एक धार चल पड़ी थी। किस चीज की धार चल पड़ी थी, रोमांटिसिज्म की, ठीक है। तो रोमांटिसिज्म के अकॉर्डिंग क्या था कि किसी देश को आजाद कराने के लिए लोगों के मन में ये सेंटिमेंट्स डाले जाते थे कि आपका कल्चर, आपका ट्रेडिशन, आपकी हिस्ट्री, आपका सब कुछ दूसरे देशों से बेहतर है। तो वही, क्योंकि ये यूरोप का हिस्सा था तो इनको लगता था कि हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन, हमारी हिस्ट्री दूसरों के कंपेयर में बहुत अच्छी है, यानी कि हम ही बेस्ट हैं और ये सब रेस्ट हैं। तो इनके मन में ये फीलिंग आने लगी। अब दूसरी बात, इन लोगों के बारे में एक चीज़ कॉमन थी, वो ये थी कि ये सब जो थे ओटोमन एम्पायर का गुलाम थे। किसके गुलाम थे, ओटोमन एम्पायर के गुलाम थे। और ओटोमन एम्पायर क्या था, इस्लामिक एम्पायर था, ठीक है, इस्लामिक एम्पायर था ओटोमन एम्पायर। तो ओटोमन एम्पायर ने पूरे बाल्कन कंट्रीज़ को गुलाम बनाया हुआ था। तो बाल्कन नेशंस ने क्या किया, बाल्कन नेशंस ने रोमांटिसिज्म का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को ये बता दिया कि हम हिस्ट्री में कभी भी गुलाम रहे ही नहीं, हम तो हमेशा से आज़ाद रहते थे। और ये जो साम्राज्य था ओटोमन एम्पायर और इस तरीके के कई सारे और एम्पायर, समय समय पे इन्होंने हमें गुलाम बनाना शुरू कर दिया, अब बस बहुत हो गया, हम गुलाम नहीं रहेंगे, हम आज़ाद हैं। तो ओटोमन एम्पायर से धीरे धीरे करके सब देश, ये सारे से सारे बाल्कन देश जो थे आज़ाद होते चले गए और ओटोमन एम्पायर का खात्मा धीरे धीरे होने लगा। लेकिन फिर क्या होता है दोस्तों, कि जब ओटोमन एम्पायर ख़त्म हो गया, ये सब देश आज़ाद हो गए, तो क्या हुआ, अब इन देशों के मन में ये सेंटिमेंट्स आ गए कि हमारा कल्चर, हमारी लैंग्वेज, हमारा ट्रेडिशन दूसरों से बेहतर है। तो ये सब देश आपस में ही लड़ने लगे, मरने लगे, एक देश दूसरे देश को गुलाम बनाने पर उतारू हो गया और इस तरीके से पूरे बाल्कन्स में अफरा तफरी मच गई, यानी कि एक्सप्लोसिव सा हो गया अचानक से कि ये आके इस पे कब्जा कर रहा है, ये आके इस पे कब्जा कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन वाली सिचुएशन आ गई। तो हुआ क्या, आज़ाद होने के बाद सबको अपने अपने कल्चर, हिस्ट्री सब एक दूसरे से बेहतर लगने लगे और सभी बाल्कन कंट्रीज एक दूसरे से जलने लगी। अब ये सब एक दूसरे से जलने लगे तो जलन में क्या होता है, मैं बेहतर हूँ, तू बेकार है, इस तरीके की फीलिंग्स आती है। तो क्या हुआ कि ये सब अपने आप को पावरफुल दिखाने लगे। तो क्या हुआ कि जब ये अपने आप को पावरफुल दिखाने लगे तो अपने टेरिटरी को एक्सपेंड करने लगे। जब ये अपने टेरिटरी को एक्सपेंड करने लगे तो दूसरे जलने लगे। तो ये जलन का सिलसिला बाल्कन नेशंस में चलता रहा। एक तरफ तो बाल्कन्स जो थे जलन में मर रहे थे, तो इनको पूरे यूरोप का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इनको नहीं लेना देना कुछ भी, इनको बस अपनी जलन देखनी है। हुआ क्या कि इनकी जलन का रिजल्ट आया कि रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी जैसे ताकतवर देशों ने इनके ऊपर कब्जा करने के लिए लड़ाई छेड़ दी। तो मेन दो देश थे इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, जर्मनी और रशिया, इन चारों ने मिलके लड़ाई छेड़ दी। किसके लिए, बाल्कन्स के लिए। ये चारों चाहते थे कि बाल्कन्स में ट्रेड हमारा सबसे ज़्यादा हो,
ठीक है, मिलिट्री हमारी ही सबसे ज़्यादा हो, टेरिटरी हमारी सबसे ज़्यादा हो, तो सब चीज़ हमारी सबसे ज़्यादा हो, तो इन सब ने बाल्कन देशों पे अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। तो अब ये सब भी क्या होने लगे, एक दूसरे जलने लगे। जब ये एक दूसरे से जलने लगे तो ये एक दूसरे से लड़ने लगे। जब बाल्कन्स में भी लड़ाई शुरू हो रखी है, ये चारों भी आपस में लड़ने लगे टेरिटरी एक्सपेंशन के लिए, मिलिट्री लेके सामने आने लगे, तो रिजल्ट क्या होता है दोस्तों, एक भयंकर लड़ाई जो 1914 में हुई, वर्ल्ड वॉर वन। इनकी होड़ का नतीजा था, बेस्ट बनने की जो इन लोगों में होड़ मची हुई थी, उसका एक नतीजा ये था कि पूरा यूरोप वर्ल्ड वॉर वन में चला गया। अब वर्ल्ड वॉर वन हो रहा है पूरे यूरोप में, तो दूसरी तरफ यूरोप के बाहर के देशों में, जैसे यूरोप के बाहर हमारा प्यारा इंडिया भी आता है, तो यूरोप ने क्या किया हुआ था, अपनी टेरिटरी एक्सपेंड की हुई थी। ये पूरा यूरोप है, इसने अपनी टेरिटरी जो है पूरी दुनिया में एक्सपेंड की हुई थी, तो पूरी दुनिया में कई देशों ने मिलकर कई देशों को गुलाम बनाया हुआ था। तो जैसे क्या हुआ कि यूरोप वर्ल्ड वॉर वन में उलझ गया, तो यूरोप में तो इंपीरियल सेंटिमेंट्स आ गए। कैसी सेंटिमेंट्स आ गए, इम्पीरियल। और दूसरी तरफ इन लोगों को, ये जो बाहर की कंट्रीज थी, इन लोगों को ये फीलिंग आई कि हम क्यों यूरोपियंस की गुलामी करें, हमें भी तो आज़ादी चाहिए, हम आज़ाद होंगे। तो इन्होंने क्या किया, एंटी यूरोपियंस सेंटिमेंट्स आने लग गए इनके मन में, एंटी इम्पीरियल सेंटिमेंट्स आने लग गए इनके मन में। और जब इनके मन में एंटी इम्पीरियल सेंटिमेंट्स आने लगे, तो प्लस इनको अच्छा लगने लगा नेशनलिस्ट मूवमेंट, इनको पसंद आया नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। तो इंपीरियल के खिलाफ हो गए थे ये बाकी पूरा दुनिया, और नेशनलिस्ट मूवमेंट के साथ हो गई थी। तो अब क्या हुआ, पूरे यूरोप में कौन सा मूवमेंट चल रहा है, इंपीरियल मूवमेंट, और पूरे दुनिया में कौन सा मूवमेंट चल रहा है, नेशनलिस्ट मूवमेंट। अब क्या था दोस्तों, इस वर्ल्ड वॉर वन के रिजल्ट में कई देश आज़ाद हुए, और इस तरह से पूरे दुनिया में नेशन स्टेट का आइडिया छा गया, और धीरे धीरे करके यूरोप जो है अपनी टेरिटरी खोता चला गया। तो जो दोस्तों मैंने अभी तक आपको बताया है इंपीरियलिज्म और बाल्कन कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में, वो सब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। द रीज़न फॉर वर्ल्ड वॉर वन भी यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में मेंशन किया हुआ है। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ आवर शो। थैंक यू फॉर योर टाइम दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड यस, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।